पंडितों की एक टोली अमरनाथ यात्रा पर जा रही थी। वे सोच रहे थे, क्या ये उनकी आखिरी अमरनाथ यात्रा है? क्या वे दोबारा यहाँ आ सकेंगे? नहीं। इतना सोचते ही उनके मन दुख और भय से भर गए। आखिर क्यों दुखी थे ये ब्राह्मण? मुस्लिम शासक औरंगजेब ने कश्मीर के पंडितों को 6 महीने में हिंदू धर्म त्याग, इस्लाम अपनाने का आदेश दिया था। कोई रास्ता ना देख वे अमरनाथ यात्रा पर निकल पड़े। मार्ग में पहलगाम में ठहरना निश्चित हुआ। कुछ ही देर में वहाँ एक और टोली आ पहुंची। ब्राह्मण मुखिया कृपाराम ने उन साधारण लोगों में एक असाधारणता देखी। उनकी आंखों में डर का नामो निशान नहीं था। मालूम किया तो पता लगा कि यह उनके गुरु तेग बहादुर के कारण था। क्या वे इतने साहसी हैं? वे हमारी सहायता करेंगे, हमें एक बार उनसे मिलना चाहिए। इसी आशा में पहलगाम से 16 पंडितों की टोली गुरु तेग बहादुर से मिलने निकल पड़ी। 1 महीने में टोली आनंदपुर पहुंच गई। कृपाराम ने गुरु साहिब को समस्या बताई। गुरु तेग बहादुर ने कहा, आप सभी थक गए होंगे, जाइए आराम कीजिए, कल सुबह भेंट करेंगे। सभी पंडित आराम करने चले गए, जबकि गुरु गहन चिंतन में डूब गए। पास बैठे बेटे ने पूछा, इनकी समस्या का समाधान क्या है? गुरु ने कहा, यदि कोई पवित्र व्यक्ति अपना बलिदान दे तो इन पंडितों को बचाया जा सकता है। बेटा गोविंद तुरंत बोल उठा, आपसे पवित्र कौन हो सकता है? बेटे की बात सुनकर गुरु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुम ठीक कह रहे हो बेटा, ऐसा ही होगा। दूसरे दिन उन्होंने कश्मीरी पंडितों को बुलाया और कहा, जाओ औरंगजेब से कह दो कि हम सभी इस्लाम अपना लेंगे यदि गुरु तेग बहादुर अपना लें। पंडितों ने ऐसा ही किया। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को बुलावा भेज दिया। गुरुजी दिल्ली दरबार पहुंचे। औरंगजेब ने जब उन्हें इस्लाम अपनाने को कहा तो मना करते हुए उन्होंने इस अन्याय के प्रति उसे जागरूक करते हुए कहा, जय प्रभु चहेता हिंदू ना जन्मे, तुरक जन्म ही वै निस दिन में। अर्थात यदि परमेश्वर चाहता तो हिंदू जन्म ही नहीं लेते और तुर्की ही दिन रात पैदा होते, परंतु वह कहां मानने वाला था। उसने गुरु तेग बहादुर को कारावास में डलवा दिया। उन्हें कठोर यातनाएं दी जाने लगी। उनके साथी भाई मतीदास को बीच से चीर डाला गया। उनके शिष्यों को बंदी बनाकर उनके सामने ही जीवित जला डाला। किंतु गुरु संकल्प से न डिगे। गुरु के संकल्प से चिढ़कर औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर के कत्ल का आदेश दे दिया। दिल्ली के चांदनी चौक में गुरु तेग बहादुर ने तिलक जनेऊ की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया। दिल्ली का शीशगंज गुरुद्वारा वही स्थान है जहां उन्होंने बलिदान दिया। बलिदान के बाद उनके शिष्य सिर और धड़ को सुरक्षित निकाल ले गए। जहां उनके धड़ का अंतिम संस्कार किया गया वहां आज श्री गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब है, जबकि जहां सिर का अंतिम संस्कार हुआ वहां श्री गुरुद्वारा आनंदपुर साहिब है। हिंदू धर्म के लिए अनन्य निष्ठा और समर्पण रखने वाले गुरु तेग बहादुर के बलिदान दिवस पर शत शत नमन।